हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह ने उचाना में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश पर निशाना साधा और कहा कि जयप्रकाश तो कैंडिडेट था ही नहीं, वो तो चौधरी देवीलाल ने बना दिया था। और भी कई मुद्दों पर उन्होंने घेरा और कहा कि वो तो टीकाराम का ड्राइवर था। गर्मी भरी की भीड़ में और बड़ा फल का है कि ये इलाके जो है ये मोदी बच्चे राहुल गांधी का देश की सुरक्षा, देश की आत्मरक्षा के लिए देश को बनाना चाहिए। और भाई मैं आया हूँ, चौधरी देवीलाल का बेटा हूँ, तुम्हारा भला करूँगा, तो मेरा था। किस तरीके का रिस्पांस गांव में जा रहे हो मिल रहा है? आप देख रहे ना, आया तब भीड़ बाद में कितनी भीड़ बढ़ी है, सारा एक तरफा माहौल है। आपने कहा कि शोकंद भी, अभी अपने संबोधन में कहा कि शोकंद भी आपका साथ देगी। नहीं, शोकंद भी 25 का, मुझे पता है, मुझे फोन आ रहे हैं धड़ा सर जी। क्या क्या विशेष कारण है, कैसे साथ दे रहे हैं सर? यह एक आपस की गुटबाजी की लड़ाई है, जो शोकंद है वो हमेशा एक तरफ खड़ा रहे, अब उनके समान खेल चल गए, छोटू राम जी के बोले तब मेरे साथ। सर आपने संबोधन में कहा कि टिकट कट गई बृजेंद्र सिंह की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जयप्रकाश को मिल गई, तो कैसा कैंडिडेट मानते हैं आप? जयप्रकाश के कैंडिडेट था ही नहीं, वो तो चौधरी देवीलाल ने बना दिया, कुछ नहीं था, टीकाराम का ड्राइवर था।